हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सौरभ माथुर। और बच्चों, आज इकोलॉजी के पांच बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूं। इसी तरह और भी क्वेश्चंस लेकर आती रहूंगी, आप प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं ये क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आता है, राइट अ डिफरेंस बिटवीन नेट एंड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बच्चों, सबसे पहली बात तो ये समझो कि जहां पर भी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वर्ड आता है तो इसका मतलब बात किसके बारे में हो रही है, बात हो रही है प्रोड्यूसर्स यानी कि प्लांट्स के बारे में। अब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता क्या है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बच्चों हम बोलते हैं कि कोई भी प्रोड्यूसर या प्लांट अपने होल लाइफ साइकिल में कितने अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर को प्रोड्यूस करता है, यानी टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस बाय अ प्लांट और अ प्रोड्यूसर्स, तो उसको तो हम क्या कहेंगे, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लेकिन जब वो ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करता है तो उसमें से कुछ अमाउंट में वो उसको एनर्जी के फॉर्म में यूटिलाइज भी करता है। तो यानी कि अब वो कौन सा अमाउंट हो सकता है, कौन सी प्रोसेस हो सकती है, वो प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन, जिसको हम आर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेस्पिरेशन में कुछ पार्ट उसका कंज्यूम हो गया, तो जो बचा उसको हम क्या कह देंगे, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, उसको हम बोलते हैं जीपीपी। उसमें से कुछ अमाउंट यूज में ले लिया गया किसमें, रेस्पिरेशन में, उसको हमने आर से रिप्रेजेंट किया। और फिर हमारे पास जो एनपीपी यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आ जाएगी। समझ में आ गई बात? आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, इसलिए आंसर की टेंशन मत करना, यहाँ पे केवल समझ लो। क्वेश्चन नंबर टू आता है, हाउ इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम डिराइव। तो देखो किस तरह से डिराइव होती है, यहां पर भी इसका आंसर आ गया कि अगर हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से हम रेस्पिरेशन को माइनस कर देंगे तो जो हमारे पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यानी कि यहां पर आपसे इक्वेशन पूछी जा रही है तो आपको केवल इक्वेशन लिखनी है, ठीक। ये हो गया क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर थ्री आता है, मेंशन एनी टू रीजंस व्हाई द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वेरीज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। बच्चों, जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो अलग अलग इकोसिस्टम में अलग अलग होती है। कैसे, समझो। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने लिया एक ट्री इकोसिस्टम, या आप कह सकते हैं एक, मान लीजिए मैंने ले लिया फॉरेस्ट, ट्री तो नहीं कहे, फॉरेस्ट ज्यादा बेटर रहेगा, एक मैंने लिया फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है। अब फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर्स होंगे वो क्या होंगे, ट्रीज भी मिलेंगे, हर्ब्स भी मिलेंगी, श्रब्स भी मिलेंगी, लाइनास भी मिलेंगी, आपको सब मिलेगा। यानी यहाँ पर प्लांट्स का नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा, तो वो ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेंगे, तो जो ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन अगर मैं कोई इकोसिस्टम ले लूं, डेजर्ट इकोसिस्टम सपोज, तो डेजर्ट इकोसिस्टम में क्या होगा, वहां पर प्लांट्स का नंबर क्या होगा, कम होगा, तो फोटोसिंथेसिस भी कम होगा। जब प्लांट कम है तो फोटोसिंथेसिस भी कम है। अब फोटोसिंथेसिस भी कम है तो इसका मतलब टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर भी जो प्रोड्यूस होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। तो इसीलिए एक तो किस पर डिपेंड किया, नंबर ऑफ प्लांट्स पर, ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स पर, या आप कह सकते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ना बोल के आप प्रोड्यूसर्स बोलिए या प्लांट्स बोलिए, एक तो डिपेंड करेगा किस पे, नंबर ऑफ प्लांट्स पर, ठीक। और दूसरी बात क्या है कि उन प्लांट्स को कितने अमाउंट में न्यूट्रिएंट मिल रहा है, वो न्यूट्रिएंट के कंटेंट पर, प्लस वहां के एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैसे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई ऐसा इकोसिस्टम ले जहां पर कि सनलाइट बहुत कम जा रही है, फॉर एग्जांपल आपने ले लिया सी, ले लिया आपने, है ना, सी समुद्र है, तो वहां पे डीपेस्ट लेयर में जो होगी वहां क्या होगी, वहां जो अगर मान लीजिए कोई एल्गी मिल भी रही है तो वहां तक सनलाइट पहुंचेगी ही कम। जब पहुंचेगी कम तो वो अमाउंट ऑफ जो ऑर्गेनिक मैटर होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। तो ये किस पे डिपेंड किया, ये एनवायरमेंटल फैक्टर सनलाइट पे डिपेंड किया। इसी तरीके से न्यूट्रिएंट्स पर डिपेंड करेगा कि उन प्लांट्स को कितने अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है। तो जो दो फैक्टर्स, जो दो रीजन हमसे पूछे गए हैं, उन दो रीजंस में तो हम एक तो लिख देंगे कि वहां पे नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं और दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैसे हैं जो उसकी प्रोडक्टिविटी को मतलब अफेक्ट करेंगे। क्लियर हो गई बात? ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर फोर आता है, व्हाट डज आर रिप्रेजेंट इन द गिवन इक्वेशन फॉर प्रोडक्टिविटी इन एन इकोसिस्टम। तो बच्चों, आर बिल्कुल सिंपल सा आपको लिखना है, आर रिप्रेजेंट्स द रेस्पिरेशन ऑफ अ प्लांट इन दिस इक्वेशन। क्लियर? अब आता है क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाई आर ग्रीन एल्गी नॉट लाइकली टू बी फाउंड इन द डीपेस्ट स्ट्रेटा ऑफ द ओशन। अब भाई, ग्रीन एल्गी क्यों नहीं मिलती है ओशन में बहुत ज्यादा डीप में? भाई इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि जो ग्रीन एल्गी है उसमें डोमिनेंट पिगमेंट क्या होता है, क्लोरोफिल ए, यानी कि वो फोटोसिंथेसिस कब कर पाएगी, जब उसको सनलाइट मिलेगी।
और जो डीपेस्ट लेयर है ओशंस की, वहां तक सनलाइट पहुंचती ही नहीं है। तो जब सनलाइट पहुंचेगी नहीं वहां तक, तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगी, तो वो सर्वाइव कैसे करेगी, वो कैसे खाना बनाएगी। इसीलिए जो ग्रीन एल्गी है वो आपको ओशन की डीपेस्ट स्ट्रेटा में नहीं मिलती। तो बच्चों ये हुए 5 क्वेश्चंस। मैं आपको बता दूं, इकोलॉजी में आपके मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है, आगे भी मैं और क्वेश्चंस देती रहूंगी, लेकिन ये 5 बेसिक क्वेश्चन है जिसमें से कि अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। आपको नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पता होनी चाहिए, आपको जीपीपी यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पता होनी चाहिए, आपको आर का मीनिंग पता होना चाहिए, और ये सारे क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। इनके सभी के आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आगे और किन टॉपिक्स पर मुझे वीडियो बनाना है अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना बहुत है, लेकिन जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो सही लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।